श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्मयुद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया गया था। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य के मन से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और एक व्याहता को भरी सभा में अपने से बड़ों के सामने अपमानित किया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में पहुंच जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। संपूर्ण गीता सार परमात्मा द्वारा दी गई वो किताब है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 151 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले सुने। तो चलिए जानते हैं भगवत गीता के 151 महत्वपूर्ण विचारों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी खोज लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है
कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो, बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो, इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि
कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय न मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सबसे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है, इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते वो अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है।
वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूकर कूकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारक बन जाता है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भागकर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूँ। मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनके उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे भक्त यदि सच्चे भाव से भी मेरा भजन करते हैं तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता हूँ जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। ये संसार मेरी ही माया है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्म सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है।
कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है, और वह पुरुष सुखपूर्वक सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और ना ही किसी के कर्मफल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्मयोग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में या परलोक में वह जहाँ भी रहता है, वो परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है। जो होने वाला है वो होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही लिप्त हैं, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाता है। जो मनुष्य अंत काल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प मैं सद्गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक खाता हूँ। तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है, तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्त्री वैश्य शूद्र भूत पिशाच चांडाल कोई भी हो, वो मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं।
रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। मनुष्य को उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है, वो हाथ से नहीं दिया जा सकता है, और मौन से जो कहा जा सकता है, वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो, तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाओ। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कोई सराहना करे या निंदा, लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वह जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उसे अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है, तो आज आप इसका जवाब सुन लीजिए। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार, जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी, तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। कान्हा ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली, तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया।
उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े रखता है और उन्हें प्यार करना सिखाता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।